हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। संविधान के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव, प्रारूप समिति और संविधान सभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि संविधान सभा के चुनाव के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था संविधान का संरचना करना। संविधान की दर्शन उसमें झलक दर्शन की झलक थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या और प्रावधान किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को समझते हैं कि इसको क्यों लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के भविष्य में प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान निर्माण करना। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इस पे एक नज़र डालते हैं। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य था, यह एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसके तहत संविधान के कार्यों को आगे बढ़ाना था, यानी संविधान निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ाना था। संविधान में क्या क्या प्रावधान करना है, इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। इस पर कुल 8 चर्चाएं हुई थी। स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसमें संविधान के जो मूल संरचना रूपरेखा जो थी, वही उसकी झलक कहाँ मिलती है? तो उद्देश्य प्रस्ताव में मिलती है। तो यही था उद्देश्य प्रस्ताव। इसको प्रस्तुत किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसका उद्देश्य क्या था, ये भी हम लोग देख लिए। आइए हम लोग देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था? तो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था कि भारत के संविधान का प्रारूप किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रावधान होना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति जो था 7 सदस्य था। उसके अन्य सदस्य कौन थे, आइए उसको देखते हैं। भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य में थे गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, सैयद मोहम्मद शहादुल्ला, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। अब देखिए, एन माधवराव जो थे वो त्यागपत्र दे दिए, जिसके बाद बीएन मित्र को उनके जगह पे संविधान सभा प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। टीटी कृष्णामाचारी को कब बनाया गया था? तो डीपी खेतान पहले थे। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। तो इसको एक दो बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि याद हो जाएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट आपको दे देंगे चार नाम, इनमें से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो प्रारूप समिति, अब देखिए, किसी भी चीज़ का प्रारूप ढांचा तैयार करने का श्रेय जिसको जाता है, यानी हमारे संविधान के प्रारूप तैयार किए थे कौन? भीमराव अंबेडकर, जिसके कारण उनको भारत के संविधान का निर्माता पिता कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक निर्माता पिता के रूप में किसे जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि वो संविधान के प्रारूप को तैयार किए थे कि संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रावधान होना चाहिए। तो इसलिए हम इनको भारतीय संविधान के पिता के रूप में जानते हैं। प्रारूप समिति पर, यानी भारतीय संविधान के प्रारूप पर टोटल 114 दिन चर्चाएं चली थी। कितने दिन चर्चाएं चली थी? तो 114 दिन चर्चा हुई थी। और रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था प्रारूप समिति, अपना रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब देखते हैं संविधान सभा। सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ऐसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसमें पूछेगा कि प्रारूप समिति में कांग्रेस से मात्र एक सदस्य थे, वो कौन थे? तो के एम मुंशी थे। प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे जो के एम मुंशी थे। ठीक है, संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। कब कब हुए थे? तो आइए हम लोग देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम वाचन जो हुआ था 4 नवंबर
1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था, दूसरा हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को, और तीसरा हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। देखिए 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को दूसरा वाचन हुआ, उसके बाद पहली बार संविधान सभा को कब पढ़ा गया था, तो 4 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान सभा को पढ़ा गया था। उस पर 5 दिन चर्चाएं चली थी, विचार विमर्श चला था, फिर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को चला तीसरा वाचन, और 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को स्वीकृत कर लिया गया, अपना लिया गया। तो 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो संविधान सभा के कितने सदस्य, जैसा कि मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, संविधान सभा के टोटल 389 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो संविधान सभा के 389 सदस्यों में से 284 उपस्थित थे जिन्होंने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, तो 284 यानी कि 284। अब देखते हैं एक नज़र कि संविधान सभा द्वारा क्या क्या अन्य महत्वपूर्ण कार्य किया गया। तो संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल देश में भारत की सदस्यता की सत्यापन की थी कि हाँ भारत जो है राष्ट्रमंडल देश का सदस्य रहेगा, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, और आप लोग जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि भारतीय संविधान के राष्ट्रीय ध्वज, जिसको हम लोग तिरंगा भी कहते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किसने तैयार किया था, तो पिंगले वेंकैया, ठीक है, पिंगले वेंकैया नामक व्यक्ति ने भारत, जो अभी वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम तिरंगा के नाम से भी जानते हैं, तो उसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो पिंगले वेंकैया ने कब किया था, तो 22 जुलाई 1947 को, और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया भी गया था। अब देखते हैं आगे क्या है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को ही यह निर्णय किया गया कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति होंगे वो राजेंद्र प्रसाद होंगे, यानी कि राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को चुना गया, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे मैं VVI फैक्ट्स को नोट करके रखी हूँ, जिसको आप लोग को हमेशा हर, ऐसे तो संविधान के बारे में हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट ही पढ़े, ये हमारे देश का कानून व्यवस्था है। तो आइए VVI फैक्ट्स देखते हैं कि क्या क्या है संविधान से रिलेटेड। तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा विश्व के 60 देशों के संविधान पर विचार किया गया था। 60 देशों के संविधान से कुछ पॉइंट्स को लेकर के भारतीय संविधान में मिलाया गया, अपनाया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि विश्व के 60 देशों के संविधान पर विचार किया था संविधान सभा के सदस्यों ने, और संविधान बनाने में टोटल खर्च कितना लगा था, तो 63,96,729 रुपये टोटल खर्च लगे थे संविधान को बनाने में। और कितना समय लगा था, तो ये तो सबको पता होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इन तीनों पॉइंट को VVI करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको अच्छे से याद रखिएगा कि 60 देशों के संविधान पर विचार किया गया था संविधान को बनाने से पहले, और 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। उद्देश्य प्रस्ताव को हमने देखा, प्रारूप समिति को देखा, और संविधान सभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देखा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, और समझ में भी आया होगा। तो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या क्या सुधार होना चाहिए, तो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।